दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि प्राचीन समय में जहाँ कुछ सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड होकर रहते थे, वहीं कुछ ऐसे भी सिविलाइजेशंस थे जो पहाड़ों पर गुफा बनाकर रहते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही सिविलाइजेशन और कुछ ऐसी ही चीजों की जिन्हें पिछले कुछ सालों में हजारों फीट की ऊंचाई पर खोजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, लिटिल पेट्रा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लिटिल पेट्रा की। लिटिल पेट्रा जॉर्डन में मौजूद एक छोटी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो साधारण पेट्रा के नॉर्थ में मौजूद है। ये साइट आज से हजारों सालों पहले एक नैबेटियन साइट हुआ करती थी और इसे साधारण तौर पर पहाड़ों में पत्थरों को काट कर ठीक उसी तरह डिजाइन किया गया था जैसे कि पेट्रा को डिजाइन किया गया था। इस सिटी को 1st century AD में बनाया गया था, पर हैरानी भरी बात यह है कि आखिर कैसे सैंडस्टोन को कोई इतना परफेक्ट डिजाइन कर सकता है। आपको बता दें कि ये साइट पेट्रा से ज्यादा अलग नहीं है बल्कि आकार में बस छोटी है, इसी कारण से इसे लिटिल पेट्रा नाम दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ऐसा कहना है कि ये साइट एक प्रकार का एग्रीकल्चर सेंटर भी था, पर जब पेट्रा पर रोम और ग्रीक्स ने हमला किया था तभी इस लिटिल पेट्रा को खाली कर दिया गया था। नंबर 9, द थ्रोन ऑफ एगमेमनन। ग्रीस एक ऐसी जगह है जहां कोई ना कोई अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती रहती है, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन पहाड़ पेलोपोनस से एक चौंका देने वाली खोज की है। दरअसल उन्होंने वहां से एक माइसिनी साम्राज्य के छोटे से हिस्से की खोज की है। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर लिजमेजिडिस और उनकी टीम के मेंबर ने उस माइसिन एम्पायर के छोटे से हिस्से में एक बहुत विशाल स्टोन स्लैब खोजा है जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक समय पर किंग एगमेमनन के थ्रोन का हिस्सा था। कार्बन डेटिंग से आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि ये स्टोन स्लैब या थ्रोन पीस 13th century BC का है। और आपको बता दें कि किंग एगमेमनन ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे ताकतवर योद्धा था जिन्होंने ट्रोजन वॉर में ग्रीक के कमांडर के रूप में भी हिस्सा लिया था। हालांकि आज तक किंग एगमेमनन को एक माइथोलॉजी पर्सन ही कहा जाता है, लेकिन ये सबूत इस बात को साबित करते हैं कि एगमेमनन सच में माइसिन पर राज किया करते थे, पर अब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। नंबर 8, निपर। दोस्तों आज के समय प्राचीन मेसोपोटामियन सिटी निपर पूरी दुनिया की सबसे शानदार माउंटेन सिटी है। आज के समय इराक में मौजूद ये सिटी एक समय पर दुनिया की सबसे पवित्र सिटी भी थी जहां मेसोपोटामियन कल्चर के लोग अपने धर्म के बारे में अपनी आगे की पीढ़ियों को शिक्षा देते थे। निपर नाम की ये सिटी 5000 BC से साल 800 तक पूरी तरह समृद्ध सिटी थी, यानी करीब 8000 सालों तक ये सिटी लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती रही है। इस सिटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सिटी मेसोपोटामियन गॉड एनलिल का घर थी जो हवा, पानी, धरती और चक्रवात के भगवान हैं, और यही वो कारण है कि 8000 सालों में इस सिटी पर कई बार हमला हुआ लेकिन इसे कोई जीत नहीं सका। निपर केवल एक पवित्र जगह थी, ना कि किसी साम्राज्य की राजधानी, और इस जगह पर जब भी कोई हमला करने जाता था तब उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था जिस कारण से इसके ऊपर बहुत कम हमले हुए हैं। निपर सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में एक रिसर्च बताती है कि ये लोग समर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। नंबर 7, बैबूट इन द हिमालयस। ये बात साल 1970 की है जब एक इटालियन क्लाइंबर गंथर मेसनर की मौत पाकिस्तान में नंगा पर्वत की घाटी पर हो गई थी। असल में ये एक क्लाइंबर था जो वहां घूमने जा रहा था जहां एक ऐसा कहर आया कि उसके बाद से आज तक वो मिला ही नहीं। दोस्तों उसकी मौत के बारे में रिसर्चर्स का कहना था कि उसकी मौत ठंड के कारण हुई थी, लेकिन वो अब तक इस बात से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। आपको बता दें कि गंटर मेसनर के साथ राइनहोल्ड मेसनर यानी उनके भाई भी साथ थे जो अपने भाई की मौत के बाद 6 दिनों तक भटकते रहे और फिर उनका रेस्क्यू किया गया। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उस घटना के करीब 50 साल बाद यानी हाल ही में हिमालय से गंटर मेसनर का जमा हुआ एक बूट मिला है जो उनकी मौत को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है, क्योंकि जब वहां रिसर्च की गई तो गंथर मेसनर के बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिले पर बाकी बॉडी का अभी तक पता नहीं है। नंबर 6, सेंट हिलेरियन कासल। दोस्तों सेंट हिलेरियन कासल पूरी दुनिया के सबसे इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये जगह माउंटेन के पीक पर बनी हुई है जो देखने में बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह है। आज के समय की जगह सिप्रस में करेनिया माउंटेन रेंज में मौजूद है, और अगर देखा जाए तो इस फोर्ट से आप पूरी मेडिटेरियन सी को देख सकते हैं, पूरे सिप्रस को देख सकते हैं, और तो और अगर मौसम साफ होता है
तो आप टर्की से साइप्रस तक का रास्ता भी साफ देख सकते हैं। यह जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डिज्नी ने स्लीपिंग ब्यूटी नाम की एक मूवी में इस जगह का उपयोग किया था। इतना ही नहीं, इसका इतिहास 10th सेंचुरी के आसपास का है, जिसे वॉच टावर की तरह यूज किया जाता था। नंबर 5, द ग्रेट फ्लड फॉसिल्स। द ग्रेट फ्लड के फॉसिल्स के मिलने की कहानी कुछ ज्यादा अजीब है। दरअसल ये बात शुरू होती है 8300 फीट की ऊंचाई पर, यानी माउंटेन के सबसे ऊंचे हिस्से पर, जब एक हाइकर ने उतनी ऊंचाई पर एक वीडियो शूट किया और टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिन रॉक्स की उसने शूटिंग की है उनमें से कुछ में फॉसिल्स मौजूद थे। हालांकि शुरुआत में इस बात का पता नहीं लगा कि वो कौन से जीव हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता लगा है कि वो स्क्विड की तरह दिखने वाले जीव थे। लेकिन जब रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो फॉसिल्स नहीं बल्कि क्रेनॉइड्स और छोटे मोटे स्टारफिश जैसे क्रीचर हैं, जो पैलियोजिक एरा यानी 250 से 500 मिलियन साल पहले के हैं, जिसके बारे में आज ऐसा माना जा रहा है कि ये पहाड़ एक समय पर समुद्र का तल हुआ करता था, पर टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये आज 8000 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, लॉस्ट रोमन सैंडल। अब आप जरा इस रोमन सैंडल को देखिए, जो आज से करीब 1700 साल पुराना है, जिसे एक ट्रैवलर के द्वारा करीब 6000 फीट ऊंचे एक माउंटेन पर खोजा गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को ठीक से पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मानना है कि ये रोम से बिलोंग करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर लेदर से बना हुआ है, जो 4th सेंचुरी में रोम में बनाया जाता था। इसे वेस्टर्न नॉर्वे से खोजा गया था, जहां आज से 1700 साल पहले बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, और हो सकता है कि किसी का पैर बर्फ में अटक गया हो और ये फंस गया हो। दोस्तों, इसके खोजे जाने के बाद इस साइट से मिडिवल स्कीज और ट्यूनिक्स को भी खोजा गया है, जिसे कभी वाइकिंग वॉरियर्स यूज करते थे। नंबर 3, एंशियंट पीपल इन द हिल्स। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दावा किया है कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट को खोज लिया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने मानगर बानी रीजन से रॉक आर्ट, रहस्यमय ग्रेव्स, एंशियंट केव्स और रॉक शेल्टर्स को खोजा है, जो एक समय पर किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते बुरी तरह डैमेज हुए थे। इन केव्स और शेल्टर्स को पैलियोलिथिक एरा के दौरान प्रिमिटिव ह्यूमंस के द्वारा उपयोग किया जाता था। और तो और, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मानगर बानी दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। यहाँ से केव पेंटिंग्स को हाल ही में यानी साल 2021 में ही एक लोकल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसके साथ ही यहाँ से जिन टूल्स को खोजा गया था वो सबसे पहले टूल्स की बेस पर बने हुए थे, जिसके चलते आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ आज से 1,00,000 साल पहले इंसान रहा करते थे। नंबर 2, मटेरा। मटेरा को पूरी इटली की सबसे स्पेक्टेकुलर सिटी कहा जाता है। असल में ये एक एंशियंट सिटी है, जो पूरी तरह पहाड़ों, ग्रोटोस और गुफाओं से भरी हुई है। इनमें से कुछ केव्स को तो आज के समय होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ह्यूमन सेटलमेंट के सबूत मिले हैं, जो पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी आज से 7000 साल पुराने हैं, जिनके बारे में शुरुआत में रिसर्चर्स का मानना था कि ये लोग साधारण जिंदगी जीते थे, जो गुफाओं के अंधेरे में रहते थे। हालांकि जैसे जैसे रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो लोग अंधेरे में नहीं रहते थे, बल्कि यही वो पहली जगह थी जहां इंसानों ने पत्थरों से पहली बार आग जलाई थी, और शायद इसी कारण से इस जगह पर वाईफाई सिग्नल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। इन्हीं सब कारण को देखते हुए साल 1993 में इस साइट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। नंबर 1, ह्यूमन केव फॉसिल्स। दोस्तों, ये खोज साउथ अफ्रीका की एक डस्टी केव से की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले हैं। ये फॉसिल्स इतने ज्यादा पुराने हैं कि आप इन पर विश्वास तक नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि ये फॉसिल्स आज से करीब 3.6 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके साथ ही इन फॉसिल्स को दुनिया की सबसे पुरानी केव्स में से एक स्टेनफंटाइन केव से खोजा गया था, जो आज के समय यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इससे पहले तक इथोपिया में खोजे गए ल्यूसी फॉसिल्स को दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल माना जाता है, जो 3.2 मिलियन साल पहले के थे, लेकिन ये फॉसिल्स उससे भी ज्यादा पुराने हैं। और इन फॉसिल्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये फॉसिल्स भी ल्यूसी फॉसिल्स की तरह ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की स्पीशीज के ही हैं, जो वाकई में इसे एक बड़ी खोज बनाते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।